नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका मेरा गांव मेरा देश में। आज बात होगी गोरखपुर की, जहां से एक ठगी का मामला सामने आया है। स्माइल फॉर लाइफ वेलफेयर फाउंडेशन नाम की एनजीओ द्वारा महिलाओं को रोजगार का लालच देकर करोड़ों की ठगी करने का एक पूरा मामला है। पीड़ित महिलाओं ने राजघाट थाने का घेराव किया। बता दें कि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक राजघाट थाना क्षेत्र के मिर्जापुर में आरिफ अंसारी और आफरीन बानो नाम की दो ठाकुर द्वार स्माइल फॉर लाइफ वेलफेयर फाउंडेशन नाम का एनजीओ शुरू कर चुके हैं और इस एनजीओ द्वारा महिलाओं से करीब 765 प्रति महिला जमा कराया गया और उन्हें प्रति माह 4000 का रोजगार देने की बात की गई। इन महिलाओं से कहा गया था कि इन्हें प्रतिदिन 2 घंटा अगरबत्ती पैक करना है, यानी कि जो काम है वो अगरबत्ती पैक करने का है। बाद में इन्हें वेतन नहीं दिया गया और इन सबका पैसा लेकर एनजीओ के लोग चंपत हो गए हैं। पीड़ित महिला ने महाराजगंज के परतावल से आफरीन बानो आरोपी को पकड़कर राजघाट पुलिस के हवाले कर दिया। प्रेम बानो के अपहरण करने के आरोप में पीड़ित समूह की महिलाओं के खिलाफ मुकदमा अब दर्ज कर लिया गया है और मामला अब उलझा हुआ नजर आ रहा है। राजघाट पुलिस को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने आफरीन बानो को महाराजगंज पुलिस के हवाले कर दिया। इस बात से नाराज पीड़ित समूह की महिलाओं ने राजघाट थाने का घेराव किया है। इस मामले में सीओ कोतवाली का कहना है कि समूह की महिलाओं द्वारा अमानत में हयातन का एक मुकदमा आफरीन बानो के खिलाफ दर्ज किया गया और महिलाओं ने पकड़कर आफरीन बानो को राजघाट पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन राजघाट पुलिस को बाद में जानकारी मिली कि आफरीन बानो के अपहरण के मामले में पुलिस उसकी तलाश कर रही है। राजगढ़ पुलिस ने आफरीन बानो को महाराजगंज पुलिस के सुपुर्द कर दिया। बहरहाल अब इस मामले में पेंच फंसा हुआ है कि राजघाट पुलिस में आफरीन बानो आरोपी है जबकि महाराजगंज जिले में पीड़ित है, यानी कि जो महिलाएं जिस पर आरोप लगा रही है वो आरोपी भी बन गई है और पीड़ित भी बन गई है। ऐसे में जो महिलाएं हैं वो परेशान हैं, पुलिस से नोकझोंक भी हो रही है लेकिन मामला सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस पूरे मामले पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, पीड़ितों का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं। सर, हम लोग का मामला है कि अगरबत्ती का कारोबार करवाया जाता था। हम लोग टीम लीडर हैं, हम लोग के घर चार चार पांच पांच ग्रुप चलता था और उस महिलाओं को पैसा अभी तक नहीं मिला है। महिलाएं हम लोग के घर पे आके मार रही हैं, पीट रही हैं, गाली दे रही हैं और अभी कल आफरीन बानो पकड़ाई थी, टीम के जो इसकी लीडर थी वो पैसा ले ये लोग पुलिस वाले छोड़ दिए और वो भाग गई यहाँ से। सर, हम लोग स्माइल फॉर लाइफ नाम से एक एनजीओ चलाते थे लोग, जो हेड ऑफिस है मिर्जापुर घसकटरा में प्रीति शर्मा के घर था। प्रीति शर्मा इसमें मेन मैनेजर थी और उसके बाद आरिफ अंसारी और आफरीन बानो पति पत्नी थे। ये लोग अपना ब्रांच मतलब यहाँ से एक दूसरा ब्रांच परतावल बाजार में खोले थे, परतावल महाराजगंज में। ये लोग एक हमको रिसीविंग में एक पर्ची की तरह देते थे स्माइल फॉर लाइफ करके और प्रति एक महिला से 765 रुपए जमा करवाते थे लोग और उसमें 100 रुपए हर महिला को रोज का काम का वेतन दिया करते थे। ये महिलाएं एक अगरबत्ती का बनाने के नाम पर एक आदमी ने आरिफ अंसारी जिसका नाम है महाराजगंज का, उसने एक एनजीओ बनाया था जिसने एनजीओ में समूह बना बना करके महिलाओं से सदस्यता के नाम पर 1000-1200 रुपए लेकर के उनको सदस्य बनाया हुआ था और पहले कुछ उसमें को प्रलोभन दिया था, हर महीने 2-3 हजार रुपए वेतन दिया जाएगा। एक दो महीने वेतन दिया, फिर उसके बाद इन लोगों का समूह बहुत बड़ा हो गया, बहुत सारा पैसा इसको मिला। इसके बाद इसने पैसा देना बंद कर वेतन देना बंद कर दिया जिससे महिलाएं परेशान होने लगी। फिर वो पुलिस के पास आई, अपना परेशान ही बताई, जिस पर FIR दर्ज किया गया राजगढ़ थाने में यहाँ की पीड़िताओं के तहरीर पर, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया जिसमें 3 लोग नामजद हुए, आरिफ अंसारी, आफरीन बानो और एक विकास यादव। इनको पुलिस की टीम लगाई गई थी उनकी गिरफ्तारी के लिए, उन्हें आवश्यक विधिक कार्रवाई है करने के लिए। इसी दौरान इन लोग कल जो है आफरीन बानो को कहीं से इन लोगों को पता चला कि महाराजगंज में वो किसी परीक्षा केंद्र पर परीक्षा दे रही, वहां पर गई दो इनोवा के साथ उसको उठा लिया। पूरा मामला फंसा हुआ है लेकिन पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। एनजीओ खोला गया, एनजीओ के दो मालिक बताए जा रहे हैं, दोनों पति पत्नी हैं या नहीं ये साफ नहीं हो पाया है लेकिन दोनों फरार बताए जा रहे हैं। हालांकि एक जो महिला है उसको पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया लेकिन दो थानों में शिकायत दर्ज है, दोनों थानों में अलग अलग तहरीर दी गई है। एक में वो आरोपी है, दूसरे में वो पीड़ित बताई जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन महिलाओं ने अपना पैसा दिया नौकरी के नाम पर
उनका पैसा कहां गया है, कब तक उन्हें पैसा मिल पाएगा। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी धनेश मेरे साथ गोरखपुर से लाइव जुड़ गए हैं, सीधे मैं उनका रुख करूंगी। धनेश, मामला बेहद पेचीदा है, समझ नहीं आ रहा कि आखिर जो आरोपी है वो पीड़ित कैसे हो सकती है। धनेश अनम्यूट करिएगा। ठीक है, आ रही आपके पास। आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात तो कर रहे हैं जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, दोनों लोग जो मिल करके है जो है बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। उसी के आर्म में लेकर के अगर बात की जाए तो उन्हीं का जो पोस्टर लगा करके जो है पटावल के जो रहने वाले हैं, महाराजगंज रहने वाले दो तीन लोग जो है पति पत्नी क्या क्लियर नहीं पाया है, उन लोगों ने आके अपना रैकेट जो है यही नहीं पूरे मंडल में गोरखपुर मंडल में अपना पूरा रैकेट फैलाया हुआ है और सभी लगभग हजारों महिलाओं से लोगों ने करोड़ों वसूल किया है। जैसा कि वहाँ पे जो पीड़ित महिलाएं लोग खुद बता रहे हैं कि ये केवल गोरखपुर नहीं महाराजगंज नौतनवा गाजीपुर और तमाम उसके अलावा जो दर्जनों जो जिले हैं उनमें जो है लाखों महिलाओं से लोग, यानी दानिश जो रैकेट है वो सिर्फ गोरखपुर ही नहीं आसपास के जिलों में आसपास के कस्बों में भी फैला हुआ है, ये आप कहने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस क्या कह रही है इस पर, क्योंकि पुलिस तो अभी यही नहीं समझ पाई है कि जो आरोपी है वो पीड़ित क्यों है और जो पीड़ित है वो आरोपी कैसे है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो अगर राजघाट पुलिस ने जो है मामले को अक्टूबर से ही इन लोगों को पता चल गया था, वेतन पहले मिलता था 1000-2000 जो संस्था के द्वारा मिल रहा था जो अगरबत्ती वाली संस्था है तो उनके द्वारा अक्टूबर से इन लोगों को पैसे नहीं वेतन इन लोग का रोक दिया गया और महिलाएं जो है उनको शक हुआ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है, उन लोगों ने बहुत खोजबीन छानबीन करने लगी। उसके बाद थाने का धनेश, ये जो एनजीओ है स्माइल फॉर लाइफ वेलफेयर फाउंडेशन, इसको लेकर पुलिस क्या जांच कर रही है, ये एनजीओ कितना पुराना है, इसका फाउंडर कौन है, कहां कहां ये रैकेट फैला हुआ है, क्योंकि ठगी का पूरा मामला है ये तो साफ है। महिलाएं जो इतनी संख्या में पहुंची हैं वो झूठे आरोप तो नहीं लगा रही होंगी, क्योंकि उनके पास तो पूरे प्रूफ है। जी बिल्कुल, उनके महिलाओं के जो पैसे जो लिए गए उनके रसीद काटे गए, बकायदे जो एक फॉर्म फिलअप कराया गया था कि आप लोगों को ये संस्था जो सरकार से द्वारा जो है अभी चल रही है सरकारी पूरा हो जाने पे आप लोगों को बकायदे पोस्टर बैनर बताया गया था इनको, मोदी और योगी जी का पोस्टर बैनर बकायदे जहाँ वहाँ पे जो ऑफिस इनका वो लगाया गया था और उसमें बताया गया था कि ये सरकारी संस्था है, कुछ दिन बाद आप 6 महीने काम करेंगे तो उसके बाद आपको ये संस्था 2000-4000 जो है 25,000 तनख्वाह देगा और 2 घंटे मात्र काम करने होंगे, इन सबों के जो है किसी से 1100 एक लीडर पे 30 महिलाओं पे एक लीडर होती थी जो 1100-1200 रुपए का एक जो है रसीद करता था, उनका पूरा आईडी जमाता था। लेकिन ये जो मामला आ रहा है धनेश, ये जो अपहरण का जो केस दर्ज हुआ है वो अपहरण का केस कैसे पुलिस ने दर्ज कर लिया, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। जी गोरखपुर में महाराजगंज पुलिस ने जो अपहरण का मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन अगर बात की जाए तो 5 तारीख को जो 5 जनवरी को इन महिलाओं पीड़ित महिलाओं द्वारा राजघाट थाने गोरखपुर के राजघाट थाने मामले में दर्ज किया गया था, 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। अगर पुलिस एक्टिव अगर हो गई होती, जितनी एक्टिव कहा जाए अगर पुलिस एक्टिव हो गई होती तो जो आरोपी है उसको पकड़ के लाके उसके खिलाफ कार्रवाई की गई होती तो जो पीड़ित हो आरोपी कभी नहीं हुई। जो महिला है जो आरोपी और पीड़ित दोनों बनाई गई है वो तो पुलिस की गिरफ्त में अभी धनेश, लेकिन जो दूसरा जो आसिफ शायद उसका नाम है वो शख्स कहाँ है, कहाँ फरार है, ये नाम है भी या नहीं, या नाम भी फ्रॉड है, ये भी अभी कुछ तक साफ नहीं हो पाया है। जी अभी किसी का कोई लोकेशन नहीं है, जो आप मानो की बात कही जाए पीड़ित महिला जो है 2-4 दिन भटकती रही और अक्टूबर से भटकती रही, उनको परसों पता चला कि आपदीन बानो जो इसमें मुख्य रूप से काम करती है वो एलएलबी की परीक्षा जो है महाराजगंज में एलएलबी की परीक्षा दे रही है, तो इन महिलाओं के द्वारा वहाँ। धनेश अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, क्योंकि तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि महिलाओं में और जो यहाँ पर लड़कियां हैं वो काफी ज्यादा रोष में है, गुस्सा है और थाने का घेराव भी किया है, सड़क को जाम कर दिया है। जी बिल्कुल, रोज मिलाएंगी गरीब महिलाएं, तो गरीब तबके की महिलाएं हैं तो घंटे काम कर सोचती थी कि हमें कुछ नहीं, तो आत्मनिर्भर भारत की बात कही जा रही है, उनसे जो उनके मोदी जी और योगी जी के पोस्टर लगा के उनको ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुलिस की पूरी लापरवाही है राजघाट पुलिस की, अगर मामला 5 तारीख को दर्ज कर लिया गया था तीनों के खिलाफ, अगर राजघाट पुलिस अगर एक्टिव हो गई होती तो कहीं ना कहीं से कोच खिलाती उनको जो
आरोपी हूँ तो खिलाफ अगर तो मामला दर्ज किया गया था तो उनको कोच खिलाती खिलाती मामले को गोल गोल घुमाया गया जो है। उनको महिलाएं रोज जाती थी कि हम थाने पे जाती थी और कथित मुकदमा दर्ज हो गया तो इनको आरोपी जो है उनको कोच खिलाया जाए, लेकिन रात घाट पुलिस जो है मौन चुप्पी मौन साधी रही और कुछ न कर सकी तो महिलाएं खुद एक्टिव हुई और पता चला कि जो आपीन बानो है वहाँ महाराजगंज में LLB की परीक्षा दे रही है, उनको अपने सूत्रों से पता चला, उन लोगों ने वहाँ बिल्कुल धानेश देखिए अगर NGO के नाम पर इस तरह से फ्रॉड हो रहा है वो भी गोरखपुर में जो CM सिटी है वहां पर अगर अधिकारी सजग नहीं है तो आप अंदाजा लगाइए कि कहां पर अधिकारी आंखें खोलकर काम कर रहे होंगे। जी बिल्कुल, इससे साफ पता चलता है कि पुलिस और अधिकारी कितने एक्टिव है। अगर 5 तारीख को अगर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था गोरखपुर पुलिस ने, अगर राजघाट पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था तो अगर अपीन बानो को उठा के लाए होते खुद गए होते, अगर पुलिस कार्रवाई की होती, अगर उनको लेके आए होते संपर्क कर पास करके तो ये जो पीड़ित है वो आरोपी नहीं हुई होती। लेकिन पीड़ितों का कहना है कि हम बार बार कागजात आए जाते थे और उनको की गिरफ्तारी की बात करते उनको लेकर आइए उनसे बातचीत पूछा गया, लेकिन राजघाट पुलिस मौन। दानिश इस पूरे मामले पर क्या जिलाधिकारी से आपकी बात हो पाई है, जो CO कोतवाली है वो क्या कह रहे हैं, SP सिटी क्या कुछ कह रहे हैं, SSP क्या कुछ कह रहे हैं, बहुत सारे सवाल हैं और अधिकारियों पर सवाल बनते भी हैं, जवाबदेही इनकी है। जी बिल्कुल, ये लोग कल जाके कमिश्नर कमिश्नर ऑफिस से लोग गई थी, महिलाएं जो पीड़ित महिलाएं गई थी वहां उनसे बात हुई, लेकिन हमारी मीडिया से कोई बात नहीं की अधिकारी, केवल CO कोतवाली ने बताया कि ऐसा सा मामला 5 तारीख को मामला दर्ज किया गया था और 2 दिन पहले जो है पीड़िता खुद जो है उनको उठा के लाए, तो मेन है संचालक के अपीन बानो उनको वहां से उनको सूचना भी उठा के लाया गया और उनके खिलाफ जो है पीड़ित को ही आरोपी बना दिया गया, उनके खिलाफ 6 लोगों के खिलाफ जो अपराध का मुकदमा दर्ज कराया। ठीक है धनेश, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं जल्द आपको रुक करूंगी, मैं चाहूंगी कि फुल विजुअल्स यहां पर दिखाए जाए, महिलाओं में जो रोष है वो पूरी स्क्रीन पर दिखाया जाए ताकि पता चल सके कि गोरखपुर में CM की नाक के नीचे अधिकारी कितने लापरवाह नजर आते हैं। तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, NGO चलाने वाली महिला फरार बताई जा रही है, हालांकि कल तक वो फरार थी लेकिन कल महिलाओं ने उसे गिरफ्तार करके थाने पहुंचाया है और इस पूरे मामले पर अभी क्या कुछ जांच हुई है ये तो निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन वाकई पुलिस पूरी तरह से अलर्ट जरूर नजर आ रही है। प्रीति संस्था मैनेजर है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या प्रीति जी मेरे साथ जुड़ गई है? प्रीति जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मैम। प्रीति जी क्या कुछ ये पूरा मामला है, 1-2 नहीं सैकड़ों महिलाएं सड़कों पर हैं, उनसे पैसा लिया गया लेकिन उन्हें नौकरी नहीं दी गई, फरार हो गए हैं NGO वाले, फ्रॉड पूरा बताया जा रहा है। मैम ये सैकड़ों नहीं हजारों के तादाद में महिलाएं हैं और इन हजारों महिलाओं के साथ मैम वो ये हुआ है। तो आप भी इसमें शामिल है, आप क्या इस NGO के मैनेजर हैं? हाँ मैम, हमें जब यहाँ से ये लोग अगस्त में हटे हैं तो यहाँ पर ब्रांच की मैनेजर बना के गए थे और मैम ब्रांच मैनेजर वाला कोई काम हमसे नहीं कराया जाता था, जब भी हम कोई सवाल करते थे तो उससे ये कहा जाता था कि आपको बाद में बताया जाएगा। प्रीति जी आप कब से संस्था से जुड़ी हुई हैं, कब से आप काम कर रही हैं? मैं 4 मई 2022 से। 4 मई 2022 यानी कि काफी समय हो गया आपको, क्या कभी आपको नहीं लगा, अंदाजा नहीं हुआ कि ये जो लोग हैं वो फ्रॉड हैं, फ्रॉड तरीके से लोगों को बुला रहे हैं फिर उनका पैसा खा रहे हैं और फरार हो जा रहे हैं, कभी तो लगा होगा, कोई शिकायत कुछ सुनी हो कभी या की हो? मैम जैसे हम लोग शुरू में पहले घर में रुक के काम करते थे मैम पैकिंग का, तो काम करते थे और सैलरी भी देते थे, सैलरी जितना मिला था उतना तो नहीं देते थे लेकिन देते थे, अगस्त तक दिए, अगस्त तक सब कुछ ठीक ठाक था लेकिन अगस्त के बाद जब ये सितंबर अक्टूबर में ये महिलाएं ज्यादा जुड़ने लगी इसमें ये देख करके कि हाँ काम भी हो रहा है और पैसा भी मिल रहा है, तो शुरुआत में पैसा दिया है इन्होंने महिलाओं को, महिलाओं से जो पर महिला है वो 765 रुपए लिए गए हैं, शुरुआत में क्या पैसा मिला, सैलरी मिली है लोगों को? मैम जो मई तक अगस्त तक काम हुआ उसमें तो मिला है, उसके बाद गड़बड़ शुरू हो गई। जी मैम। प्रीति जी तो जो आप शिकायत लेकर थाने पहुंची हैं, एक और बात यहां निकलकर सामने आई है कि 2 थानों में शिकायत हुई है, 1 थाने में जो बानो बताई जा रही है जो महिला का नाम है वो एक जगह तो पीड़ित है, एक जगह वो आरोपी है,
आपकी बात हुई है पुलिस कर्मियों से, क्या कहना है अधिकारियों का, क्या कह रहे हैं वो, कब तक इस पूरे मामले पर जांच हो पाएगी? मैम इसका हम लोग देखना, हम लोग जब हमें हम समझ आया कि हम लोग के साथ फ्रॉड हो रहा है, हम लोग इसके लिए हर जगह अप्लीकेशन डाले, हम लोग के पक्ष में कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोग जब राजघाट थाना गए तो वो बोले कि आप कांदेरुआ थाना जाइए, बोले राजघाट थाना जाइए। मैम बहुत दौरा भागी के बाद हम लोग की शिकायत दर्ज हुई, वो भी 5 जनवरी को राजघाट थाने में, और 5 जनवरी को शिकायत दर्ज हुई है, लेकिन अब तक मामले में कोई आगे एक्शन, आगे कोई कदम नहीं बढ़ा है? नहीं मैम। जिलाधिकारी से बात हुई आपकी? जिलाधिकारी के पास आप गए शिकायत लेकर? जी मैम, वहाँ से भी आश्वासन मिला था कि आपके पक्ष में ये काम किया जाएगा, लेकिन मैम कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई। चलिए ठीक है, प्रीति जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धनेश संस्था मैनेजर, जो एनजीओ की मैनेजर थी, वो हमारे साथ जुड़ी थी। उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन बीते यानी कि 2022 अगस्त से सब कुछ खराब हो गया। उसके बाद ऐसा हुआ कि ठगी का मामला जो है वो थाने में दर्ज करवा दिया गया है। उनका ये कहना है कि वो डीएम कार्यालय भी गई, वहां पर शिकायत भी दर्ज की गई, आश्वासन भी मिला, लेकिन 5 तारीख से आज 18 तारीख हो गई है, कुछ भी आगे बात नहीं बढ़ी है। जी बिल्कुल, बता दें आपको कि अगर महिलाएं 2-3 महीने पहले से शिकायत कर रही थी और थाने पे दौड़ रही थी, सैकड़ों की संख्या में महिलाएं रोज जाती थी राजघाट थाने पे जाती थी, और मामले को अगर पहले ही दर्ज कर लिया गया था, या फिर 5 तारीख को दर्ज किया गया, 5 जनवरी को दर्ज किया गया, और अगर पुलिस राजघाट पुलिस अगर एक्टिव, गोरखपुर पुलिस अगर एक्टिव रहती, तो महिलाओं के ऊपर जो पीड़ित है वो आरोपी कभी नहीं बन पाते। अगर देखा जाए तो वहीं पे अगर महिलाएं जाके पुलिस के ना आना कानी इधर उधर करने के बाद दूर अगर पुलिस नहीं सुने, पुलिस अपना मौन धारण कर रहा राजघाट थाना अगर तो, लेकिन हेलो कृष्ण कुमार बिश्नोई जी से मेरी बात हो रही है, डॉक्टर गौरव ग्रोवर से मेरी बात हो रही है, प्यारों से बात हो रही है। गौरव जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बताएं। सर एक मामला है, क्या वो आपके संज्ञान में है, एक फाउंडेशन है, एनजीओ है, वहां पर कुछ महिलाएं प्रताड़ित हैं, और जो एनजीओ के मालिक बताए जा रहे हैं वो फरार है, एक महिला जो आरोपी है उसे पीड़ित भी बनाया गया है, इस पूरे मामले को अगर आप संज्ञान में ले लें तो बहुत बेहतर होगा, इन महिलाओं को इंसाफ मिल सकेगा। बिल्कुल मिलेगा जी, आप कहां बोल रहे हैं? सर मैं न्यूज वन इंडिया से बात कर रही हूँ। न्यूज इंडिया से, आपका शुभ नाम? मेरा नाम काजोल है सर। हाँ, ये राजघाट का प्रकरण है सर, राजघाट और महाराजगंज का ये पूरा मामला है। हाँ, इसमें राजघाट में मुकदमा लिखा गया है, कार्रवाई की जा रही है। जी जी जी, कार्रवाई तो हो रही है सर, लेकिन महिलाएं 5 तारीख को मुकदमा दर्ज किया गया है, आज 18 तारीख है, महिलाएं परेशान है, ठंड में रोज जा रही है, डीएम कार्यालय भी गई है, वहां से आश्वासन भी मिला, लेकिन आगे कोई बात नहीं बढ़ पाई। ठीक है, दिखवाता हूँ बाकी जानकारी में, इसमें कार्रवाई के लिए बताया गया है, नाम जो पंजीकृत है। ओके, तो कब तक आप बता रहे, कब तक मामले को निपटा दिया जाएगा, कोई आश्वासन कुछ उन महिलाओं को मिल सके, क्योंकि सैकड़ों में नहीं हजारों में महिलाएं हैं और गोरखपुर में ऐसा हो रहा है। फोन काट दिया। धनेश, मामला पता है, संज्ञान में है, लेकिन जब बिल्कुल एकदम सवाल ऐसा था जब उन्हें जवाब देना था तब वो फोन काट देते हैं, ये जिम्मेदार है, ये जिम्मेदारी है, इनकी जवाबदेही है, जो अपनी जवाबदेही से हमेशा बचते हैं। अगर गोरखपुर में अधिकारी ऐसे आंखें मूंदे बैठे हैं तो पूरे प्रदेश में किस तरह से अधिकारी काम कर रहे होंगे? क्या सिर्फ शासन ही काम करे, प्रशासन कुछ ना करे, प्रशासन सिर्फ ऑर्डर्स मिलते रहे उन्हें लेकिन वो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, इसलिए उन्हें जिम्मेदारी दी गई है क्षेत्र संभालने की? इससे साफ पता चलता है कि मुख्यमंत्री का दौरा जो है महीनों में 2-3 बार गोरखपुर होता है, अधिकारियों को जनता दरबार में दिशा निर्देश दिए जाते हैं। दानिश जिलाधिकारी हैं कृष्णा गणेश, उनको भी फोन मिलाया जा रहा है और बेल जा रही है फोन की। क्या मेरी बात कृष्णा करुणेश जी से हो रही है, जिलाधिकारी गोरखपुर से? नहीं अभी नहीं है वो। अभी नहीं है, कब तक आ जाएंगे साहब? 4-5 बजे तक मिलेंगे। 5 बजे तक बात हो जाएगी सर? हाँ हो जाएगी। सर आप कौन बोल रहे हैं? मैं आपका मैनेज स्टाफ बोल रहा हूँ। सर एक मैसेज अगर आप कन्वे करा दें तो सर के नाम? इसी
इसी नंबर मिला है वो उठा लेंगे सर। इसी नंबर पे तो मिला है सर, बाद में मिला है 5 बजे के बाद, अभी बिजी है क्या, मीटिंग चल रही है? हाँ चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो जिलाधिकारी साहब को फोन मिलाया गया, धनेश मीटिंग है और हमेशा यही होता है जब भी न्यूज़ वन इंडिया से फोन मिलाया जाता है कृष्णा कोहले साहब को, वो मीटिंग में ही होते हैं। जी बिल्कुल, कई बार फोन मिलाया जाता है, हमने भी देखा है लाइव कितनी बार का जो हमारे पास जो लाइव होते हैं उनसे जिलाधिकारी महोदय को फोन मिलाया जाता है तो लाइव पे ही रहते हैं, कार्यक्रम में ही व्यस्त रहते हैं, कई मीटिंग में रहते हैं, उनके जो भी हो पीआरओ हो या जो भी हो उनको फोन उठाते हैं, हमेशा बताते हैं कि ये इनका सीयूजी नंबर नहीं है कि यहाँ का ऑफिशियली नंबर है, जबकि हम लोग खुद सीयूजी नंबर पे ही फोन करते हैं और फिर हमेशा बात होती रहती है, लेकिन जब चैनल से फोन जाता है तो ये होता है कि साहब मीटिंग में है या कहीं व्यस्त है, 5 बजे मिलाइए, 2 बजे मिलाइए। अगर इतनी मीटिंग हो रही है, इतने वो बिजी है, तो फिर गोरखपुर में ऐसे ठगी के मामले या कोई भी अपराध क्यों हो रहा है? अगर सर इतने ही बिजी हैं, इतने ही कर्मठ हैं, तो मैं ये नहीं कह रही कि वो काम अपना बखूबी नहीं निभाते, बखूबी निभाते होंगे, लेकिन जब जब उनकी जवाबदेही होती है वो फोन नहीं उठाते। एसपी साहब, एसपी सिटी जी को भी फोन मिलाया जा रहा है, कृष्ण कुमार जी को। हेलो, कृष्ण कुमार जी से मेरी बात हो रही है, एसपी सिटी गोरखपुर। जी मैडम बोल रहे हैं, बताइए। सर मैं न्यूज़ वन इंडिया से बात कर रही हूँ। जी बताइए। कृष्ण जी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। जी मैं सुन रहा हूँ मैडम आपकी बात। हाँ सर, एक मामला है, क्या आपके संज्ञान में है? ये राजघाट थाना और महाराजगंज थाने का एक पूरा मामला है जहां पर एक एनजीओ जो है वो फ्रॉड बताया जा रहा है। उसमें कुछ महिलाएं काम कर रही थी लेकिन महिलाओं से पैसा लिया गया, उन्हें पैसा नहीं दिया गया, हजारों की संख्या में महिलाएं हैं। ठीक है मैडम। सर आपके संज्ञान में मामला है या नहीं? जी मैडम है, इसमें हम जांच कर रहे हैं, जांच करने के बाद आपका जो भी इंडिया बनता है यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव है उसको हम। नहीं सर, जांच तो चल रही है, ये तो मैं जानती हूँ कि जांच चल रही है, मैंने बाइट भी सुनी है कोतवाली साहब की, लेकिन सवाल ये है कि 5 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ था, आज 18 तारीख है, सर जांच कहाँ तक पहुंचे, बस मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि महिलाएं सड़कों पर इतनी ठंड में, महिला को अपहरण करके महिला यहाँ ले आई थी, उसके मुकदमा लिखा, लेकिन महिला तो पीड़ित और आरोपी दोनों बना दी गई है सर। हाँ जी मैडम, महिला तो पीड़ित और आरोपी दोनों बना दी गई है। अगर किसी को किडनैप करेगा कोई व्यक्ति तो आरोपी तो बनेगा ही, मेरा तो आप उस पर एक्शन किस तरह से लेंगे आप? हमारा काम हम करेंगे, महाराजगंज पुलिस को जो काम करना वो अपना काम करेंगे, हम हमारा काम करेंगे। आप वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप आगे क्या काम करेंगे? ठीक है सर, तो ये धनेश कृष्ण कुमार जी एसपी सिटी, जो हमारा काम है वो हम करेंगे और पुलिस कितना काम करती है उत्तर प्रदेश में वो दिखाई देता है। जो गोली की आवाज मुंह से निकाल सकती है वो कुछ भी कर सकती है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस है। कुछ ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो आरोगेंट के साथ और पूरे एटीट्यूड और पूरे ईगो के साथ इस तरह से पब्लिक को संभालते हैं। जब पब्लिक का मैटर आता है, जब इन पर गाज गिरती है, तब ये सीधे तने खड़े होते हैं। जी बिल्कुल, देखा जाए गोरखपुर पुलिस अगर इतना ही एक्टिव रहती, अपना काम करती, लगातार जो है अपराधियों को पकड़ने की बात करती है, अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण रखने की बात करती है पुलिस, गोरखपुर पुलिस, लेकिन अगर बात ही करती है बस, हकीकत क्या है वो दिखाई देता है धनेश। जब आप जवाब दे ही नहीं कर सकते, आप सवालों के जवाब नहीं दे सकते, तो आप क्या काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर गोरखपुर पुलिस अपना काम करती तो महिलाएं जो पीड़ित हैं वो आरोपी नहीं होती अब तक। बिल्कुल, गोरखपुर पुलिस ने अगर काम किया होता, वहीं अगर देखा जाए महाराजगंज पुलिस की बात की जाए तो मुकदमा दिखाता है अपहरण का, महाराजगंज पुलिस तत्काल एक्टिव होती है और जो आरोपित है उसको जो है उससे खिले उसके जो आरोपित है उसको जो पीड़ित बना दिया गया, लेकिन अगर साफ पता चलता है गोरखपुर पुलिस और महाराजगंज पुलिस कितनी एक्टिव है। चलिए ठीक है, आश्वासन लेकिन धनेश मिल गया है, जो एसएसपी उन्होंने भी आश्वासन दिया है, जिलाधिकारी साहब से बात नहीं हो पाई है, तो उम्मीद है कि जरूर महिलाओं को इंसाफ मिलेगा, लेकिन हमें इंतजार करना होगा क्योंकि पुलिस है, कार्रवाई कर रही है, अपना काम कर रही है, जो हमें जवाब मिले हैं, लेकिन किस तरह से महिलाओं को आश्वस्त करें ये पूरा अभी साफ नहीं हो पाया है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो गोरखपुर का एक पूरा मामला है जहां महाराजगंज थाना राजघाट थाने में शिकायत दर्ज हुई है, जहां पर एक एनजीओ चल रहा था लेकिन वह एनजीओ फ्रॉड था, महिलाएं आरोप लगा रही हैं कि उनसे पैसे लिए गए हैं लेकिन नौकरी पर रखा गया और फिर उन्हें पैसे नहीं दिए गए, और जो आरोपी है वो मौके से फरार है, लेकिन जो एक महिला आरोपी है उसे
यहां पर पकड़कर दूसरे थाने में उसे सुपुर्द किया गया, तो वो आरोपी से पीड़ित बन गई है। पुलिस कह रही है कि हम एक्शन ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, इंसाफ कब तक मिल पाएगा ये तो गोरखपुर पुलिस ही बता सकती है। फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।